आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके इंस्टाग्राम पर कन्फर्मेशन कोड या फिर OTP नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए यहां से बाहर आइए, उसके बाद अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आकर ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा या फिर मैनेज ऐप्स आएगा। तो जैसे कि हमारे फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट नाम से आ रहा है तो इस पर क्लिक करिए, इसे ओपन करिए। उसके बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद इंस्टाग्राम आएगा कुछ इस तरीके से, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए और इसे फोर्स स्टॉप करिए। नीचे स्टोरेज आएगा या फिर स्टोरेज यूसेज आएगा तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद क्लियर कैशे आएगा यहाँ पे, तो क्लियर कैशे पे क्लिक करिए। क्लियर डेटा यहाँ पे नहीं करना है, बस कैशे क्लियर करने के बाद बैक आइए। उसके बाद फिर से बैक आइए और इन्हीं एप्लीकेशन में नीचे आकर मैसेजेस आएगा कुछ इस तरीके से, तो इस पर क्लिक करिए, इसे फोर्स स्टॉप करिए और सेम नीचे स्टोरेज आएगा या फिर स्टोरेज यूसेज आएगा तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे ऊपर आएगा क्लियर डेटा, तो इसका डेटा क्लियर करिए। उसके बाद ओके करिए, अब बैक आइए और अब यहाँ पे परमिशन आएगा तो परमिशन पे क्लिक करिए। ऊपर आएगा अलाउड, नीचे नॉट अलाउड आएगा। अगर नॉट अलाउड में SMS की परमिशन आ रही है तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर अलाउ पे क्लिक करिए और बैक आइए। तो यहाँ पे अब फिर से बैक आ जाइए और अब अपने फ़ोन में फ़्लाइट मोड चालू करिए, उसके बाद बंद करिए और एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, यानी कि फ़ोन को बंद करके चालू करिए। उसके बाद अब चेक करिए, आपका OTP आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कन्फर्मेशन कोड या फिर OTP प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।